हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज है 1 जनवरी। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह के 7 बजे। जस्ट अभी सो के उठी हूँ मैं, क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोई थी, इस वजह से सुबह नींद नहीं खुली। और अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ, मैं नहीं मतलब मम्मा भी हैं साथ में, हम जा रहे हैं मंदिर। तो आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले हम मंदिर से करेंगे, क्योंकि आज साल का फर्स्ट डे है, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए ताकि पूरा साल अच्छा जाए हमारा। तो सबसे पहले हम रेडी हो जाते हैं, और रेडी होने के बाद जाते हैं मंदिर, और उसके बाद देखते हैं आज फुल डे हम क्या करने वाले हैं। तो व्लॉग के एंड तक बने रहें, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद रेडी होने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और बस निकल रहे हैं घर से। थोड़ा सा फेस को कवर कर लेते हैं क्योंकि बाहर सर्दी है और स्कूटी पे जाना है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मंदिर पहुंच के। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज, फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी चलते हैं अंदर और आपको करवाते हैं भोले बाबा के दर्शन। A few moments later. So finally हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो मंदिर में माथा टेक लिया, दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है। तो चलते हैं अभी घर और मिलते हैं आपसे घर। सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर। अभी सबसे पहले बनाते हैं हलवा, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए बना लेते हैं प्रसाद। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू टोस्ट। सुबह से ही सोचा था, आलू बॉईल करके रखे थे, तो सोचा मंदिर से वापस आके बनाएंगे हम टोस्ट। लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट किया वैसे ही लाइट चले गई। तो अभी हम सोच रहे हैं हम इसको बनाएंगे तवे पे ही, क्योंकि लाइट का वेट करते रहे तो भूख तो काफी लगी है, अभी खाना भी खाना ही है। तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं तवे पे। तो चलिए बनाते हैं इसको तवे पे और फिर करते हैं इंजॉय। ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। सो गाइस, ब्रेकफास्ट तो हो गया रेडी, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट को एंजॉय और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ। पहले तो मंदिर गए थे, मंदिर से आके ब्रेकफास्ट वगैरह किया, अब मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं स्कूटी की सर्विस के लिए। क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे, उसकी सर्विस ड्यू थी अभी, तो 1-2 दिन पहले ही ड्यू हुई है, तो सर्विस बुक नहीं हो रही थी। आज अचानक से सुबह मैंने कॉल किया तो आज की ही सर्विस बुक हो गई। तो इसलिए मैं और मम्मा जा रहे हैं स्कूटी की सर्विस करवाने। तो पहले जाएंगे सर्विस करवाने, वहाँ पे स्कूटी छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सिटी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद वापस आएंगे सर्विस सेंटर में, वहाँ से स्कूटी लेके और फिर आएंगे घर। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मम्मा रेडी हो रहे हैं, तो मिलती हूँ आपसे यहाँ से निकलने के बाद। सो फाइनली मम्मा भी रेडी हो चुकी हैं, सबसे लेट मैं तो पहले ही रेडी हो गई थी। इन्होंने इतना टाइम लगाया रेडी होने में, सच में टाइम लगाया, क्योंकि मैं पहले ही रेडी हो गई थी, ये अभी काम कर रहे थे कुछ। तो चलिए अब निकलते हैं, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाके। तो वहाँ पे देते हैं स्कूटी सर्विस के लिए, उसके बाद जाएंगे सिटी शॉपिंग के लिए। तो मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ जाके। सो गाइस, फाइनली स्कूटी तो हमने लगा दी सर्विस सेंटर में, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल। यहाँ से पकड़ेंगे मेटाडोर और जाएंगे सिटी। आज बहुत टाइम के बाद मैं मेटाडोर में बैठने वाली हूँ, क्योंकि आदत नहीं रही है, अब जहाँ भी जाओ स्कूटी पर जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम कहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे। गाइज, ये है रिहाड़ी चौक। रिहाड़ी चौक से हम गाड़ी पकड़ेंगे परेड के लिए और हम जाएंगे परेड सिटी शॉपिंग के लिए। तो अभी करते हैं गाड़ी का वेट और उसके बाद चलते हैं सिटी। तो हम लोग पहुंच
चुके हैं सिटी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है तो इतना शूट नहीं कर पाऊँगी। तो जल्द से शॉपिंग करते हैं ख़त्म, और उसके बाद जाते हैं वापस स्कूटी के लिए और फिर जाएंगे वहाँ से घर। सो गाइस, फाइनली स्कूटी की सर्विस हो चुकी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर और मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। अभी निकलते हैं यहाँ से, टाइम बहुत लग गया क्योंकि वॉशिंग में टाइम लगा, सर्विस में इतना टाइम नहीं लगा, वॉश करने में तो उन्होंने 1-1.5 घंटा लगा दिया। तो चलिए चलते हैं घर वापस। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस घर, टाइम हो रहा है 3:00, टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो नए साल का कैलेंडर लेके आए हैं और देख रहे हैं किस दिन क्या है, व्रत त्योहार वगैरह देख रहे हैं उस पर। तो लंच काफ़ी लेट हो गया, अभी बनाते हैं कुछ शॉर्टकट वाला और करते हैं लंच, उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी मैंने बनाया है जल्दी जल्दी में मिक्स वेज पुलाव, और अभी जल्द से करते हैं लंच क्योंकि भूख लगी है, 3:30 हो रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर मिलते हैं आपसे। 3 hours later। सो गाइस, दिन को वापस आके लंच करने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से सिटी गए, फिर सिटी से थोड़ा सामान लिया, वहाँ से फिर वापस आए घर, तो इसलिए सो गई थी। अभी उठी हूँ तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आपका ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, और बाय बाय।